आगरा के मारुति एस्टेट स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज में वात्सल्य सेवा समिति के तत्वावधान में चौथे तीर्थंकर श्री भगवान अभिनंदन नाथ का गर्भ एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव 26 अप्रैल को मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री जी के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किया। 26 अप्रैल को वात्सल्य सेवा समिति एवं कलाकुंज मंदिर समिति के तत्वावधान में चौथे तीर्थंकर श्री भगवान अभिनंदन नाथ का गर्भ एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव आगरा के मारुति स्टेट स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज में बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया। भक्तों ने निर्वाण कांड का पूजन कर भगवान अभिनंदन नाथ के समक्ष निर्वाण लाड़ू समर्पित किया। इस दौरान भक्तों के भाव प्रभु भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। इस अवसर पर वात्सल्य सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आज वात्सल्य सेवा समिति के तत्वाधान में कलाकुंज जैन मंदिर में हमने आज चौथे भगवान अभिनंदन नाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक लाड़ू चढ़ाया। सभी भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चन की, शांत धारा की और अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह बंदर था और इनका कलर सोने के समान शुद्ध पीला था। इन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश किया, चार अघातिया कर्मों का नाश किया, पांच महाव्रतों को धारण किया। ऐसे प्रभु श्री अभिनंदन नाथ भगवान ने योग निरोध को धारण करके संबे शिखर से आनंद कूट से मोच गए। मैं उनको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आज बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने आज अपने चौथे तीर्थंकर श्री 1008 भगवान अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक लाडू चढ़ाया है। भगवान ने अपने कर्मों का नाश करके सिद्ध सिला को प्राप्त किया और उन्होंने सभी को यही उपदेश दिया कि आप अपने कर्मों का नाश करें, अच्छे कर्मों को करें और मोक्ष पद की प्राप्ति करें। 26 अप्रैल को कलाकुंज जैन मंदिर में आयोजित हुए निर्वाण कल्याणक महोत्सव में समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।